मनु देख उसे, देख देख उसे। क्या है? देख उसे, सभी लड़कियों को इसी तरह सर से पांव तक ढका हुआ होना चाहिए। जी दादाजी, आलकस। ऐसा कर, तू भी बुर्का पहनकर घर के काम काज में लग जा, तेरी रोज की चपड़ चपड़ बंद हो जाएगी। अच्छा, तू क्या ये चाहता है? वैसे जो स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, उसमें तो बड़ा कहता है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, और अभी देखने जरा इसको। भाषण देने में क्या है, वो तो मैं अभी भी दे सकता हूँ। भाइयों और बहनों, जमाना बदल चुका है। बस कर बस कर, तू भी बाकी लड़कों की तरह ही है। वैसे तो कहेगा कुछ और करेगा कुछ। अरे नाराज क्यों होती है, मैं तो मजाक कर रहा था, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं किया। ए मनु, हमने ये सोचा है, हम हमारे गांव में उन सभी समाज के बंधनों में जकड़ी हुई महिलाओं में जाकर जागरूकता पैदा करेंगे। बिल्कुल थी एक चुनौती बिहार के सहरसा जिले में साक्षरता अभियान का चलाया जाना, वो भी खास तौर से मुस्लिम महिलाओं के बीच। सदियों से शिक्षा से दूर रही इन महिलाओं के दिलों में साक्षरता का अलग जगाना कोई आसान काम नहीं था, मगर यहाँ के साक्षरता कर्मियों का उत्साह देखिए, बजाय हाथ पर हाथ धरे रहने के आगे बढ़कर उन महिलाओं को सामने लाए जिन्होंने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। पहली बार जब इनका वास्ता बाहरी दुनिया के सबसे खुशनसीब चीज किताबों से पड़ा तो इनकी जिंदगी खुशियों से भर उठी। इन्हें ऐसा लगा कि अगर कहीं जन्नत है तो वो किताबों में लिखे अक्षरों में छुपी है। तभी तो मजीदा कहती है वो अब सब कुछ जान पहचान गई है। अपना नाम सीख गए, दस्तखत करने सीख गए, चिट्ठी लिखने के लिए सीख गए, माँ बाप का नाम सीख गए, सब सीख गए। और अमीला ने जब पहले पहल पढ़ना शुरू किया तो उसे घर में खूब डांट पड़ी थी, पर आज की तो बात कुछ और है। ठीक लागे छे साहब, हमर बेटी पढ़ लेलक, दस्तखत करे ले जान गेल, अब्बा के नाम लिखे ले जान गेल, तब हमरा ठीक छे। इन महिलाओं के बीच ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली जुलेखा खातून को भी शुरू में पति से खूब डांट सुननी पड़ती थी। हमको पति रोक रहा था अंदर से बाहर नहीं जाने के लिए, तो हम पति को समझा बुझा के से अपना समाज को सेवा कर रहे हैं, माँ बहन को, भाई बहन को, सब से कुछ से अपना समझ आ जाए दस्तखतों करने के लिए कम से कम। यह तो आज सहरसा जिले में चल रहे संपूर्ण साक्षरता अभियान की एक झलक भर है, पर अगर पीछे लौट के देखें तो कई सारी भयावह सच्चाइयां सामने आती हैं, जिससे लगता है कि जो सच आज दिख रहा है उसके पीछे कितनी कुर्बानी छिपी है। और वो कुर्बानी दी है जिले के स्वयं सेवकों ने, वो भी बगैर किसी लाभ के, बस उनके दिलो दिमाग में एक ही जज्बा था, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का। खुद कर देंगे, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, सब होगा, उनको मन में उत्सुकता आ जाएगा, हम लोग भी कुछ जानते हैं। पहले के हालात कितने बदतर थे इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले भी यहाँ एक बार अभियान चला था, मगर वो बीच में ही दम तोड़ गया था। यह जगह भी कुछ ऐसी ही है जहाँ समस्याओं का ढेर है। इस जिले की गिनती बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में होती है। पानी, बिजली, सड़क, मकान जैसे बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों की दुर्दशा का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। हर साल लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आकर बेघर हो जाते हैं। खेतीबाड़ी का जो नुकसान होता है सो अलग, बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में पलायन हो जाते हैं, और जो यहाँ रहते हैं वो किसी तरह खेती गृहस्थी से अपना गुजारा कर लेते हैं। जाहिर है जहाँ लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत चीजें नहीं होंगी, वहाँ भला पढ़ाई लिखाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है। पर साक्षरता अभियान को तो चलाना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब के पीछे निरक्षरता रूपी भूत तो छिपा ही था। सबसे पहला काम किया गया कि आपस में मिलजुल कर एक कार्य योजना बनाई गई, जिसके तहत एक रणनीति बनाकर काम शुरू किया गया। पूरे जिले में 4,35,000 लोगों की पहचान की गई, जिन्हें पढ़ाने के लिए साक्षरता केंद्र पर लाना था। पहचान के बाद काम किया गया संगठन बनाने का, टोला से लेकर जिला स्तर तक की समितियां बनाई गईं, जिससे अभियान हर स्तर पर सुचारू रूप से चल सके। इस बात का खास ध्यान रखा गया कि संगठन में समाज के हर तबके की भागीदारी हो। जब संगठन का आधार मजबूत हो चला तो काम किया गया पढ़ने लिखने का माहौल बनाने का। गांव से लेकर शहर तक जुलूस निकाले गए और नारा दिया गया,
हर माता की एक ही इच्छा, बच्चा पाए स्कूल की शिक्षा। जगह जगह समाज के प्रभावशाली लोगों को लेकर लगातार बैठकें की गईं। इतना ही नहीं, लोकगीतों को लोकधुनों में पिरोकर साक्षरता संदेश गांव-गांव में फैलाया गया, ताकि खुद ही लोगों के अंदर पढ़ने लिखने की ललक पैदा हो। गांव वालों को समझाया गया कि अगर वे पढ़ लिख जाते हैं तो विकास की प्रक्रिया का फायदा उठा सकेंगे, सामाजिक पिछड़ापन दूर होगा और वे अपनी सही जगह हासिल कर सकेंगे। इस अभियान से उन लोगों को सम्मान मिला जिन्हें पहले बेकार और फालतू समझा जाता था। समाज में उनकी कोई पूछ नहीं होती थी। कुछ वर्ग के लोग हैं जो अत्यंत दलित हैं, सामान्य धारा में उनमें एक मनोवृत्ति पैदा कर दी गई कि शिक्षा उनका अधिकार ही नहीं है। हमने उनमें चेतना जगाई कि शिक्षा उनका भी अधिकार है। उन्हें विद्यालय तक नहीं जाने दिया जाता था या वो नहीं जाते थे, तो हमने उन्हीं क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। हमने उन क्षेत्रों में विद्यालय को पहले खोला। वो अत्यंत गरीब का टोला हो, मुसहर का टोला हो, डूम का टोला हो, और उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया। तो उन क्षेत्रों में जब जागरूकता बढ़ी तो उससे ऊपर के लैडर में स्वतः जागरूकता बढ़ी, वहां से मांग आने लगी कि हमारे यहाँ भी हो। तो हम लोगों ने ऐसे ही विस्तारित किया। यह सामाजिक आस्पेक्ट है। इसका समाज पर काफी सकारात्मक असर पड़ा। स्थापित लोगों के वर्चस्व को चुनौती मिली और एक नया वर्ग तैयार हुआ जो आम लोगों की आवाज बनी। यह वर्ग विकास के कार्यक्रम सही ढंग और सही जगह पर लागू हो इसके लिए सीधा हस्तक्षेप करता है। इसका नेतृत्व भी द्वितीय पंक्ति के लोगों के हाथों में दिया गया और निरक्षरता के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को दूसरी आजादी का जंग कहा गया। ये हम सब जो है सो मिल करके चला रहे हैं, इसको सब मिल करके एक जन आंदोलन के रूप में चला रहे हैं। इसलिए लोगों ने इसको स्वीकारा और जो उनको संभावना देखी कि हम वास्तव में एक मास मूवमेंट के एक भागीदारी बन रहे हैं। और हमने कॉल भी दिया कि इसमें किसी को पैसे नहीं मिलेंगे, सभी जो है संघ सेवा की भावना से इस काम में आगे आएंगे। हमारे पास काफी जो है सो वॉलंटियर्स मिले इसमें, जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे, और गार्जियंस का भी काफी सपोर्ट मिला जब हमने इस तरह का कॉल दिया। तो मास मूवमेंट के नाम पर लोग जो है इस कार्यक्रम से जुड़ गए, लोगों ने पैसे को पीछे किया। कहते हैं जब प्रयास अच्छा हो तो स्वाभाविक है नतीजा भी सुखद होगा। वैसे तो हर जगह गांव देहात में लोग पढ़ते नजर आते ही हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई है वो यह कि इसकी वजह से वे लोग साथ बैठकर पढ़ते हैं जो कल तक आपस में दूरी बनाए रखना चाहते थे। आज वे अंगूठे की बजाय हस्ताक्षर करते हैं, अखबार में देश दुनिया की खबरें पढ़ते हैं, किसी के बहकावे में तुरंत नहीं आते बल्कि सोच समझ कर अपना हर काम करते हैं। पढ़ना लिखना शुरू के लिए दस्तखत उसका जान लिए नहीं पढ़ा बैठा कुछ हो पहला एक खातिर शुरू के लिए जो कुछ सीख ली साक्षरता हम दस्तखत उसका यह खातिर। साक्षरता का सबसे पहला असर तो ये है कि हम लोग जब किसी भी कल्याणकारी सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थी चयन के लिए गांव में जाते थे पहले तो अंगूठे निशानों का ही दर्शन होता था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब जब भी हम लोग लाभुकों के पास जाते हैं या जांच करने जाते हैं तो वह अंगूठे निशान के बदले में दस्तखत भी बनाते हैं। यह एक परिवर्तन धीरे धीरे आया है जो कि सुखद है। भोले भाले गांव वालों की रुचि साक्षरता अभियान में बनाए रखने के लिए सरकारी अधिकारी भी अक्सर साक्षरता केंद्र पर जाते, जिससे पढ़ने वाले नव साक्षरों में हमेशा उत्साह बना रहता। सरकारी स्तर पर ये घोषणा की गई कि जो गांव का व्यक्ति अभियान से जुड़ा होगा उसे हर स्तर पर प्राथमिकता मिलेगी। कि जो पंचायत पहले पूर्ण साक्षर होगा वहां पर हम विकास के जितने लंबित कार्य हैं उसे प्राथमिकता पर पूरा कर देंगे। हमने यह भी कहा है कि जितने नव साक्षर हैं उनको विकास कार्यक्रमों से हम जोड़ेंगे, वह ट्राइसम का कार्यक्रम हो, IRDP का कार्यक्रम हो, या द्वाकड़ा का कार्यक्रम हो। और इसका भी रिस्पॉन्स हो रहा है। अब नव साक्षरों से हमारे यहाँ मांग आ रही है और हम धीरे धीरे उसे सीमित साधनों में पूरा करते जा रहे हैं।
एक और बात ये हुई कि अभियान की बदौलत सदियों से परंपराओं में जकड़ी महिला समाज भी बड़ी तादाद में सामने आई और वे रचनात्मक कार्यों में जुट गईं। महिला तो घर के अंदर बांधी रहती थी, वे सोचती हम जेल के तरह बैठे हुए हैं, अपना अधिकार को समझ नहीं पाती थी, पुरुषों के अधिकार में रहती थी जूते। हम लोग संगठन बनाने के बाद ऐसा बोले कि क्या बहने घर में रहेगी, पुरुषों के अधिकार में रहेगी तो क्या लाज जूता खाते रहेगी? अगर हम लोग महिला एक संगठन कर लेंगे तो महिला का विकास होगा, पुरुषों के अधिकार में क्यों रहे, क्यों रहेंगे, क्यों ना अपना साक्षर बन के अपना हम लोग कमा सकते हैं। कोई भी योजना अभी क्या महिला हमारे यहाँ वीडियो है, सीओ बहुत सारी ठेकेदार ही महिला करती है, डॉक्टर भी, इंजीनियर, क्या हम क्यों नहीं हम लोग भी अपना अधिकार पकड़े? ये सब समझाने के बाद महिला का संगठन, कोई भी अत्याचार भी गांव में होता हम लोग एकजुट महिला है उस पर उठ जाते हैं। तभी तो आज साक्षरता की लालिमा हर तरफ अपनी छटा बिखेरती नजर आ रही है, जिससे सारा सहरसा रंगीनमय हो चला है। मैं तो थक गई भाई, अब चलना मेरे बस की बात नहीं, चाचा का घर तो अभी बहुत दूर है। क्या बात है मनु, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ। तू तो कभी थकती नहीं थी। बस मैं थक गई। आज मूड कुछ उगड़ा उगड़ा है बहना का, तू तो कभी मेहनत करने से थकती ही नहीं थी। तुम्हें पता है कि किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं? ये लोग मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? सही है, देख अभी तू नहीं कह रही थी कि जगह कितनी सुंदर है? हाँ। पर पहाड़ी इलाके तो इससे भी अधिक सुंदर होते हैं। अच्छा, पर वहाँ की जिंदगी उतनी ही कठिन। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लगभग सभी प्राकृतिक सौंदर्य है और दूर दराज के इलाके देखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतनी ही वहाँ की जिंदगी मुश्किल होती है। अच्छा। दूर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता है, गाय भैंस के चारे के लिए दिन भर घूमना पड़ता है। तो यदि देखा जाए तो उनमें इच्छा शक्ति कितनी जबरदस्त है ना? हाँ। जो काम करना है सो करना, सो करना है। कहते हैं पहाड़ी जगह केवल देखने में सुंदर होती है, वास्तविक जिंदगी बहुत कठिन होती है, और अगर इस इलाके में जाकर कुछ करना हो तो परेशानियों की सूची लंबी है, लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कुछ किया जाए तो सफलता भी मिलती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कोल्हापुर जिले के बेसरफ गांव के साक्षरता कर्मियों ने। उन आदिवासियों की जिंदगी में खुशियां बिखेरी हैं, जिनकी जिंदगी विकास नाम के शब्द से कोसों दूर थी। जिले के अंतिम छोर पर बसा है ये गांव। यहां की कुल आबादी 300 के करीब है, वो भी एक ही जगह पर इकट्ठी नहीं बल्कि दूर दूर तक छितराई हुई। खाने कमाने का मुख्य जरिया है जंगल में पशुओं को चराना और थोड़ी बहुत खेती, बस इतने में ही मस्त रहते हैं ये आदिवासी। अंदाजा आपको भी लग गया होगा हरे भरे खेतों से होकर आते मधुर गीतों से। ये तो रही इलाके की बात, गांव में ज्ञान के प्रकाश का आगमन किया विद्यालय के शिक्षकों ने। पहला काम जो किया गया वो था घर घर घूमकर निरक्षरों का पता लगाने का। चलिए निरक्षरों का पता तो लग गया, पर काम यहीं खत्म नहीं हुआ। पढ़ने के लिए जो लोग आते थे, लोग नहीं आते थे, उसको क्या, उसका क्या करना, हमको दो बार की बार या चार बार 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 उसको घर में घर को जाना पड़ता था। घर के जाने के बाद उसको हमने बताया था कि जो आपको क्लास शुरू हो रहा है, रोड साक्षरता का वर्ग शुरू हो रहा है, उसको तुम आप हम वर्ग में आना, क्लास में आकर क्या करना है पढ़ाना। पढ़ने के बाद आपको हिस्ट्री का बस का बोर्ड पढ़ना आता है, आपको डेयरी में जो दूध घालता दूध देने को जाता है वो 2 रुपए में 5 रुपए में दूध देता है, तो आपको तो वो लोग फंसाते हैं, वो नहीं फंसना है तो आपको क्या करना है पढ़ना अच्छा है। कहीं झोपड़ी नुमा घरों के बाहर साक्षरता के चिन्ह लगाए गए तो कहीं पढ़ने लिखने का संदेश देते नारे लिखे गए। धीरे धीरे अपनी ही धुन में रमे रहने वाले आदिवासियों को एहसास होने लगा कि अगर वे पढ़ लिख गए तो न केवल अपना बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य बना सकते हैं। तभी तो गांव में महज कैमरा के आने की खबर सुनकर सारे के सारे गांववासी हाथ में स्लेट और किताब थामे घर से बाहर आ गए।
वे हमें ये बताने को आतुर थे कि अब हम अनपढ़ नहीं रहे। चूंकि इलाका पारंपरिक ठहरा तो इन आदिवासियों को साक्षरता कक्षा में लाने का तरीका भी पारंपरिक ही इस्तेमाल किया गया। कक्षा शुरू होने से पहले घर घर जाकर नगाड़े के साथ मुनादी कराई गई कि चलो पढ़ने को कक्षा में चलो। जब इतने प्यार से कक्षा में आने के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया तो फिर क्या ये घर में बैठने वाले थे। स्लेट पेंसिल उठाई और चल दिए कक्षा की ओर। पढ़ाई के प्रति ये कितने गंभीर हैं, इसका पता लगता है कि शिक्षक ने एक सवाल पूछा नहीं कि खड़े होकर तुरंत जवाब दे दिया। किताबी ज्ञान के अलावा क्या कुछ और व्यावहारिक फायदा भी मिला है इन्हें? जी हाँ, सुनीता वारक काटेकर तो यही कहती है। कि पूर्वी आपण 2 रुपयाला दूध घालत होते की आपले सगळे समजते, आता सुबह वगैरे सगळे समजते। गांव का प्रधान गंगाराम भी कोटेकर कहता है कि गांव में पढ़ाई लिखाई की वजह से ही बिजली नसीब हुई। आता ये वैसे कुठेतरी जरी आपण इतके काहीतरी दुबर नसले काही कोल्हापूरला जाऊन सुद्धा येता येते सगळे शिकल्यावर, किंवा आपला मूल मजूर कुठेतरी 5 रुपये कोण दिले तर आम्ही 6 रुपये त्याची हटून मागून घेतो या की समाजस्थितीमुळे, किंवा कोल्हापूरला जायचं इष्टी कुठे तेंडवर उतरायचं हे सुद्धा करते या डॉक्टर गुड जाया झाले तरी आम्हाला समजते त्यातले। साक्षरता कक्षा में इनको आम जिंदगी से जुड़ी दूसरी चीजों के बारे में भी बताया जाता है, जैसे खेती करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जब ये पढ़ लिख गए तो इसका पहला असर दिखा कि आज इनकी बात छोड़िए, इनके बच्चे तक कक्षा में दिल लगाकर पढ़ते हैं। और सरकार की तरफ से सिलाई कढ़ाई के लिए सिलाई मशीन भी दी गई है। सही कहा, हमारे अंदर काम करने की लगन हो, दृढ़ निश्चय हो तो हर एक कठिनाई का सामना किया जा सकता है। तुम हंस क्यों रहे हो? वैसे ज्यादातर भाषण तू देती है, आज मेरी बात मान ही ली। हम दोनों की छोड़, हमें कुछ करना चाहिए। करना चाहिए? हाँ। क्या करना चाहिए? जैसे कि गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, बेसहारों के लिए, अनपढ़ों को पढ़ाना चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए, पर एक बात है, चाहे गरीब हो, चाहे बेसहारा, चाहे अनपढ़, इन लोगों की हालत इतनी खराब क्यों है? ऐसा नहीं है कि इन लोगों की भलाई या कल्याण के लिए कोई कुछ नहीं करता। कई सरकारी योजनाएं हैं, पर इन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं, इसलिए उसका फायदा नहीं उठा सकते। कुछ अलग और कुछ खास करने का जज्बा तो हमेशा से छत्तीसगढ़ के लोगों में रहा है। और बात जब छत्तीसगढ़ की हृदय स्थली बिलासपुर की हो तो क्या कहने। ये बात देखी जा सकती है इलाके की लोक कलाओं में और महसूस की जा सकती है लोगों की आम गतिविधियों में। कुछ साल पहले जब जिला राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की अगुवाई में पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था तो इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई पड़ी थी। जानते हैं क्यों? पहली बार इस अभियान में इतनी बड़ी तादाद में जन भागीदारी देखने को मिली थी। देखते ही देखते इसी जन अभियान ने पूरे जिले की तस्वीर ही बदल कर रख दी। कहां आदिवासी अंचल के लोग जिनकी बदहाली छुपाई नहीं छुपती थी। रोजी रोटी की तलाश में इनका दर दर भटकना आम बात थी। मदद के लिए कहीं जाते भी थे तो जुबान से आवाज तक नहीं निकल पाती थी। कहीं न कहीं इसके पीछे अशिक्षा रूपी भूत ही था जो भोले भाले आदिवासियों को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे ढकेल रहा था। लेकिन जिले में साक्षरता अभियान के चलने का असर दिखता है सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में। साक्षरता कार्यक्रम का ही नतीजा है कि बिलासपुर आज हिंदुस्तान के उन अग्रणी जिलों में है जहां पर सूचना के अधिकार को व्यापक पैमाने पर लागू किया जा रहा है। आज शासकीय योजनाओं में इतना खुलापन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान पर बोर्ड टंगा नजर आता है जिसमें लिखा है कितनी सामग्री बंटी है और कितनी बची है। इसी तरह ग्राम प्रधान जन अदालत में गांव वालों को गांव में हो रहे विकास कार्यक्रमों की जानकारी देता है। एक तरफ तो बेशक साक्षरता कार्यक्रमों के फलस्वरूप सरकारी कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी बढ़ी, लेकिन दूसरी तरफ समय के साथ साथ साक्षरता अभियान में एक ठहराव सा आ गया। जब स्वयं सेवक लोगों के पास जाते तो उन्हें तरह तरह के सवालों से होकर जूझना पड़ता। कई ऐसे समस्या बताते रहते हैं इन लोग, हमेशा मतलब इन लोग ना
बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं जाते पढ़ने के लिए, हमको क्या मिलेगा, अब इतने उम्र हो गए हैं, बूढ़ी हो गए हैं, क्या करेंगे पढ़ के, ऐसे करके बोल देते हैं, नहीं पढ़ते कोई। अब चंद्रिका बाई की ही बात लीजिए, कहती है कि पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कहाँ से जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे है, काम मजा था ना पंडिटी में, ये देते ही बच्चा बनते है, इच्छे पांच जन है। कौशल्या भी यही कहती है कि पहले रोजी रोटी कमाने के लिए जाऊं या पढ़ने। पढ़ा तो सहज है, मगर अब बेटी को अंदर की बूता कौन करी घर के, घरों में बूता लगा थे, अब एक जन लड़का है। ऐसे अनगिनत सवालों का उठना एक लिहाज से जायज भी था। तंग गलियों में बसी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ये लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित थे। रहने को घर नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था इतनी खराब कि नलों के पाइप हमेशा गंदे पानी से भरे रहते थे। शौचालय की व्यवस्था तो थी ही नहीं। छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए न तो आसपास कोई स्कूल था और न ही लोगों के पास रोजगार का कोई साधन। बच्चा बीमार पड़ा थे, डॉक्टर मोहल्ले में नहीं आ सका, और हमारे मोहल्ले में बहुत दिक्कत है, घर नहीं है रहने की, और नाली है, मच्छर चाब रहे है, और काका पढ़िया लेकिन बाहर जा रहे है पढ़ने के लिए, ये हम लोग की स्कूल चाहिए, ये हम लोग को घर चाहिए रहने के लिए, और यहाँ पैखाना किसाब खोली स्कूल और का कहते अस्पताल चाहिए। इन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर अभियान आशा के नाम से अभिनव साक्षरता की शुरुआत की गई। परंपरागत साक्षरता आंदोलनों से अलग हटकर पहले पहल यहाँ लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने पर जोर दिया गया। लगातार बैठकों में लोगों को समझाया गया कि अभियान आशा के कार्यों में अगर वे सहभागी बनते हैं तो उनके जीवन में सुखद परिवर्तन आ सकता है। हालांकि शुरुआत के दिनों में लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं थी, लेकिन धीरे धीरे उसे दूर किया गया। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर साफ सफाई की ताकि वे लोगों का विश्वास जीत सके। पुराने मकान की जगह नए मकान बनाए गए। गंदे पानी के निकास के लिए नाली का निर्माण किया गया। पीने के पानी के लिए जगह जगह नल लगाए गए। चौड़ी सड़कें बनाई गई ताकि लोगों की आवाजाही सुगमता से हो सके। इन सब के लिए सरकार ने सस्ते दरों पर ऋण व सामग्री उपलब्ध करवाई। जमीन के पट्टे तो मुफ्त दिए गए। तभी तो उर्वशी की जुबान से इस तरह के आत्मविश्वास भरे शब्द निकलते हैं। अपना घर मिल गया तो अपना खा रहे हैं, अब अपना खुद का जमीन हो गया, अब कोई कुछ नहीं बोल सकते ऐसा लगता है। और दूसरे के में थे तो कोई भी कुछ बोल देता था तो अपने आप से डर के महसूस लगता था ना कि आज यहाँ है कल भगा देंगे तो कहाँ जाएंगे। इस टाइप एक बात शुरू से देखने में ये आई कि बस्ती की महिलाओं में अभियान के प्रति काफी उतावलापन था जो पुरुषों में नहीं था। यही वजह रही कि बस्ती में कक्षा शुरू होने पर भी महिलाएं ही बड़ी संख्या में सामने आई। कला जत्थे की टीम भी पीछे नहीं रहती है, बल्कि वो तो गीत संगीत के माध्यम से ऐसा समा तैयार करती है कि लोग बस उसी में खो जाते हैं। ये तो रही अभिनव साक्षरता की बात। अब जरा जिले के शक्ति प्रखंड के पतेरा पाली गांव में चल रहे संपूर्ण साक्षरता अभियान को देखें। यहाँ भी आगे महिलाएं ही हैं। कैमरा टीम के गांव में पहुँचते ही सारी महिलाएं कतारबद्ध होकर अपनी किताब लिए खड़ी नजर आती हैं। थोड़े पल के लिए ऐसा लगा मानो वे हमें बतलाना चाह रही हैं कि हमने भी अपना नाता किताबों के संग जोड़ा है, अब हम भी पढ़ने लिखने में पीछे नहीं हैं। लिखो भाई मेरी बहना, पढ़ो लिखो जी, आ ई क ख ग घ पढ़ो लिखो जी, आ ई क ख ग घ पढ़ो लिखो जी।